पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा हरियाणा में पंचायतों कार्यकाल पूरा हो चुका है। जाट आंदोलन का जिक्र किए बिना मुख्यमंत्री ने कहा फिलहाल प्रदेश का वातावरण ठीक नहीं है, ऐसे माहौल में चुनाव करवाना लोकतंत्र के लिए गलत होगा। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा लोकतंत्र सबको आंदोलन करने की इजाजत देता है, लेकिन सड़क पर बैठकर आंदोलन शुरू करने से दूसरों के अधिकारों का हनन होता है, जो गलत है। अब किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए फसलों को उखाड़ना और दूध को लेकर राजनीति शुरू कर दी है, जो सही नहीं है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रद्द की गई भर्तियों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा इस भर्तियों को लेकर कोर्ट में काफी दिक्कतें खड़ी हो गई थी और अगले 5 साल में भी उनका समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा था, इसलिए कमीशन ने भर्तियां रद्द करने के विज्ञापन जारी कर दिए हैं। हम देख रहे हैं कि किसान के नाम से ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ किसान के नाम से, क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जितने कर रहे हैं वो भी एक साइजेबल नंबर होने के नाते से एक उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है उस माहौल में हम चाहते हैं कि धैर्य से इन चीज़ों को उनको समझा कर बता कर बिना किसी फोर्स का उपयोग किए हुए और मामला ठीक हो जाए, और काफ़ी सुधार हो भी रहा है। अब वो चीज़ इंटेंसिटी नहीं है जो आज से 26 जनवरी तक थी। 26 जनवरी एक ऐसा मोड़ आया था उसमें कि किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक बदनामी न केवल देश में दुनिया में हुई।